सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनिया है। कहाँ के रहने वाले आप? हिमाचल प्रदेश से। पिछले 3 साल से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे। हाँ जी। आप खुल के बताएं सबको, जब दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे क्या होता था आपके साथ? मेरा नाम सोनिया है, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। 3 साल से मुझ पर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। ऐसे अटैक होते थे जैसे कि कोई मुझे मार रहा है। और जब अटैक होते थे तो सपने में मुझे इतने सांप दिखाई देते थे और गलत संबंध बनाते थे, कमजोरी फील होती थी। और पिछले साल मेरे ससुर जी की डेथ हुई। डेथ के बाद जब उनकी डेथ होने के बाद जब वो जो रीति रिवाज हुए, ठीक है, तब जो उसके बाद जब मैं अकेले कमरे में बैठी तो एकदम से 2 बजे रात को रोने की आवाज़ आई। और जब मैंने भाग कर देखा कि लेडीज़ रो रही हैं तो कुछ भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि ये मेरे दिल का वहम हो सकता है। नेक्स्ट डे जब मैं अपने काम में लगी हुई थी तो दरवाज़ा खोलने लगी तो एकदम से पीछे से आवाज़ आई, सोनिया तू तो मर जाएगी। मैंने कहा ये पता नहीं कहाँ से आवाज़ें आ रही। मैंने फिर भी इग्नोर किया। फिर चलते चलते थोड़ा थोड़ा भी बीमार होने लगी। फिर मैंने इग्नोर किया, कोई बात नहीं। फिर चलते चलते फिर ऐसे सपने, जब मैं रियल में सो रही होती हूँ तो ऐसे दिखाई देता है कि जैसे सांप ही सांप है मेरे पास। इतने सांप हैं कि मेरे को समझ ही नहीं आती थी। तो फिर मैं जब लड़कर अपने ससुराल वालों से मायके चली गई कि शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, फिर वहाँ से मैंने थोड़ी बहुत ही दवाई ली, फिर मैं ससुराल आ गई। फिर मैं अपने पति के पास चली गई। जब मैं पति के पास गई तब मैं उनके साथ कहीं घूमने चली गई तो मुझे इंसानों और दुष्ट आत्माओं में पता ही नहीं चलता था कि मैं कहाँ पर हूँ। दुष्ट आत्माएं साथ साथ चलती थी। किसी के घर में अगर खाना खाने के लिए इनवाइट किया जाता था तो लोग तो बैठे होते थे पर मुझे दुष्ट आत्मा ही दिखाई देती थी। मैं ऐसे ऐसे कांपना शुरू हो जाती थी और अपने आप को खुद को पकड़ के रखती थी। किसी ने कहना ये तो पागल है। फिर मैंने अपने मायके फिर चली गई कि वो मैंने अपनी सिस्टर से बात की कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। और आपको हर छोटी छोटी चीज से डर लगता था? जी बहुत बहुत ज़्यादा। शीशे के सामने जब मैंने खड़े हो जाना तो ऐसे लगना दुष्ट आत्मा मेरे को पीछे से पकड़ के खड़ा है। अगर मैंने टॉयलेट में जाना तो ऐसे लगता है कि जो दीवारें वो बोल रही हैं। और अगर बिस्तरे पे उड़ जाए तो जैसे लगता है सांप मेरे को जफ्फी डाल रहे हैं। ऐसे फीलिंग्स होती थी। और इन्हीं चीजों के कारण आप डिप्रेशन में चले गए थे? हाँ। तो कोई सुध-बुध नहीं रहती थी? बिल्कुल भी नहीं। बच्चा संभालने की भी सुध-बुध नहीं रहती थी। मैं डॉक्टर के पास लुधियाना में गई तो डॉक्टर ने बोला कि दिमाग वाले डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर कहने कि आपको पोस्टमार्टम कुछ ऐसा डिप्रेशन होता है तो वो आपको हो गया है। मैंने उनको ही बताया है कि मेरे को दुष्ट आत्माएं दिखाई देती है, काले कपड़े में सांप दिखाई देते, मेरे को ऐसा लगता है कि कोई मुझे मार रहा है और मैं खड़ी खड़ी ऐसे कांप जाती हूँ, सांस रुक जाती है, धड़कन रुक जाती है। वो कहते हैं आप डिप्रेशन की दवाई खाओ। मैंने 6 महीने दवाई खाई। मैंने अमृतसर खाई, हिमाचल में खाई और लुधियाना में खाई दवाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, सर आप मेरे को बताओ कि मेरे को हो क्या गया, क्योंकि मेरा स्वभाव हसमुख है और मैं दिन रात रो रही हूँ, कमरे में बैठी हुई हूँ, मेरे को कोई पूछता नहीं है, मैं ऐसी क्यों हो रही हूँ। मैं फास्ट काम करने वाली थी, मैं हर काम करने में वो थी, अब ना मैं खा पा रही हूँ, ना मैं पी पा रही हूँ, ना ही मैं सो पा रही हूँ, बच्चे को भी मैं संभाल नहीं पा रही। और उस समय आपकी हालत जो थी वो पागलों की जैसे हो चुकी थी? बिल्कुल, मैं बिल्कुल पागल थी। मेरा खुदा ही जानता है कि उसने मेरे को कैसे संभाला, क्योंकि मेरा हस्बैंड भी, मैं कैसे उनको बताती, क्योंकि वो थोड़े अनजाति में थे तो मैं उनको बता नहीं पा रही थी अपनी सिचुएशन को, क्योंकि मैं ये डर था कि वो मुझे कहीं और ना ले जाएं। मेरे को मेरे ही खुदा पर विश्वास था कि मैं अड़ी थी, खड़ी थी, मैंने कहा खुदा तूने ही मुझे सेट करना है और मेरा कोई खुदा नहीं है, मैं किसी को नहीं जानती तेरे सिवा, मेरा तू ही सच्चा खुदा है। तूने कहा परखो और देखो मैं कितना भला हूँ, सच मुझ खुदा सच में बहुत भला है। और आपने जब आपके ऊपर ये अटैक होते थे तो आपकी हालत जब पागलों की जैसी हो चुकी थी, आप अपने हाथों को काटते थे? हाँ, मैं अपने हाथ को, पता क्या होता, मेरा ब्लड पीने को मन करता था। मैं अपने हाथ को, फिंगर को ऐसे थोड़ा सा काट के और मुंह में डाल के उसको चूस लेती थी कि जो तलब थी वो कम हो जाए, पर मेरा और मन करता था। मैंने फोन करके अपने सिस्टर्स को बताना कि मेरा ब्लड पीने को मन करता है, पर उनको समझ नहीं थी आती। पर फिर भी मैंने आपको कंट्रोल करना, कभी दिल किया तो रात को काट देना, कभी मैंने अपने बाल रोच लेने, कभी ऐसे ऐसे कर लेना, कभी बच्चे को देखने को मन नहीं करना, जी करता बच्चे को ही मार दूं, हस्बैंड को ऐसे। एक बार मैं अपने हस्बैंड के साथ मार्केट जा रही थी तो मैं साइड पे खड़ी हो गई, मेरे हस्बैंड ने मेरी बेटी को उठाया, साथ में ही रोड था, मैंने सोचा कि मैं खड़ी हो जाती हूँ तो एकदम से दिल में आया कि हस्बैंड को धक्का मारूं और गाड़ी के नीचे फेंक दूं, पर मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया। उसके आगे मैं जब गई तो लोग खड़े थे
तो ऐसे लग रहा था कि लोग मुर्दे के लिए रो रहे थे। चलते चलते ऐसे लोगों नॉर्मल लोग चल रहे थे, पर मेरे को ऐसे फील होता था कि कोई इनके घर मर गया है तो ये ऐसे मुंह लटका के घूम रहे थे। और आप पूरी तरह से मतलब आपके माइंड में हमेशा खुद भी सुसाइडल थॉट्स चलते रहते थे अपने आप को मारने के प्रति। और जब आपको डॉक्टर के पास ले जाया गया, डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि आपको डिप्रेशन भी है, कितने डॉक्टर चेंज करके देखे उस वक्त? फिर मैंने 30-35 डॉक्टर्स चेक किए, और मेरे पिंड में जो मेडिकल स्टोर थे मैं 10-15 बार दिन में जाकर बीपी चेक करवाती थी, और बीपी चेक करवाती थी तो बस सारा दिन ऐसे अपनी नब्ज पकड़ के कभी इधर घूमती थी कभी उधर घूमती थी, और मैंने कभी घर में टिक कर नहीं बैठती थी। जैसे ही कोई जैसे मेरी सासू माँ कहीं चली जाती थी तो मैं बाहर में घूमने शुरू कर देती थी। मेरा घर में दिल नहीं लगता था कि मैं बैठना होता था घर पे, ऐसे लगता कोई मुझे धक्के मार के घर से निकाल रहा है। मुर्दा लोग तो मेरे साथ ही बिल्कुल चिपके हुए थे। और आपकी ऐसी हालत को आपके पड़ोसियों ने भी देखा होगा? जी बिल्कुल। क्या बोलते थे वो? कहते इसको क्या हो गया, शादी से जब शादी के होके आई थी तो बिल्कुल ठीक थी, अब ना किसी को बुलाती है, चिड़चिड़ी रहती है, गलत बलत बोलती रहती है, क्या हुआ इसको? फिर उसके बाद आपको खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? मेरे को खामरा चर्च का पहले से ही पता था, 2016 से ही मैं जुड़ी हुई हूँ। और आपने लगातार चर्च में आके मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया? हाँ जी बिल्कुल। फिर 25 दिसंबर 2022 को क्रिसमस सेलिब्रेशन मीटिंग वाले दिन परमेश्वर के दास ने जब डिलीवरेंस के लिए छुटकारे के लिए प्रार्थना की तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। मैं यीशु मसीह के नाम में कमांड करता हूं वो सब दुष्ट आत्माओं को जो आपके ऊपर कब्जा करके बैठी है, आउट इन जीसस नेम। ए दुष्ट आत्मा इस फायर से निकल, रिलीज करो होली गोस, रिलीज करो होली गोस, रिलीज करो होली गोस। और जब आपने परमेश्वर के दास को तरह हुई सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया, क्या हुआ उस टाइम आपकी बॉडी में? उसके बाद मैं पीछे जब खड़ी थी तो मेरे को उल्टियां आई और एकदम गर्माहट फील हुई, तो मैंने आगे जाकर अपनी टेस्टिमनी शेयर की। क्योंकि आपको जैसे ही आपने प्रार्थना को रिसीव किया आपकी डिलीवरेंस होनी शुरू हो चुकी थी। जी बिल्कुल, बड़ा हल्का फील हुआ, बहुत लाइट वाइट, और उल्टियां आपको आनी शुरू हो गई। जी। और जैसे ही ये बहन आगे आए तो परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की थी, उस प्रेयर को भी देखते हम। को एक साल से दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, और जब भी इनको अटैक होता था इनके हाथ पांव पूरी तरह से कांपने लग जाते थे बॉसली, और जैसे ही आपने प्रार्थना की, इन जीसस नेम, थैंक यू लॉर्ड। अब माइक दो उसको, देखो क्या बोल रही है। तेरे तो बहुत नफरत है, मैं बहुत नफरत करता हूं तेरे तो। ए कहंदी मैं परमेश्वर दो काम करना, मैं फायर द होली गोस्ट, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, घुटनों पे इन जीसस नेम, Jesus name. Thank you, Lord. उससे बहुत नफरत है। ए मुझसे क्यों नफरत है भाई? सारे लोग ठीक करने का ठेका लिया तू, हैं? सानू कट्टी ही जाना, कट्टी ही जाना। साडा सारा कारोबार बंद करन दे, हैं? चंगी भली मैं व्यापी चर्च पाई सीगी, मेरा बेड़ा गर्क करना सीगा, हैं? मैं ते छड़ना नहीं गा। तू साडा बेड़ा गर करता, मैं बहुत दुखी हूं तेरे तो, हसी जाना तो, प्यार सब है मेरे ते। कहंदी मैं ब्रेस्ट मणि देनी है, मैं ब्रेस्ट मणि देनी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहंदी मां चल से काम करना, गुनाह से शैतान से फना से छुटकारा, 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 खड़े होके पहले परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़े छुटकारे के लिए। अपने हाथों को हिला इस तरह की, और थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज से। जब परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर प्रेयर की, क्या हो रहा था बॉडी में उस टाइम आपको? बड़ी हीलिंग हो रही थी, लाइट फील हो रहा था। पापा ने मुझे वर्ड भी दिए कि तुम आशीषी तो ब्लेस्ड, जो आज के बाद फ्री हो। क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद घर जा गई, घर जाकर मेरे को रेड उल्टी आई और येलो उल्टी भी आई, और उसके बाद मैं 6 महीने से बिल्कुल फ्री हूँ। कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं, कोई पागलपन के कोई दौरे, कोई अटैक नहीं है। नहीं नहीं, अभी
जो 5.5-6 महीने का जीवन था आपका, कैसा निकला वो? बहुत ब्लेस्ड निकला। अब मैं बहुत एनर्जी फील करती हूँ, अकेली चर्च भी आ रही हूँ, कोई डर भी नहीं लग रहा, किसी की सहारे की जरूरत भी नहीं है कहीं जाने की, और मैं कहीं भी जा रही हूँ ब्लेस्ड हूँ, प्रभु का सुसमाचार फैला रही हूँ, बता रही हूँ अपनी वीडियोस, और बाबा आई लव यू, आई लव यू जो दुष्ट आत्मा के ग्रसित है। आप लोग कोशिश करते कि शायद ये नशा हम आदत है छोड़ देंगे, ये दुष्ट आत्मा अपनी तरफ से हम फ्री हो जाएंगे। जब आप परमेश्वर की हुजूरी में आएंगे तभी आपकी डिलीवरेंस होगी। ये बहन को कितने सालों से दुष्ट आत्मा ने जकड़ा हुआ था, जैसे ही परमेश्वर के घर में आए, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, आज ये पूरी तरह से फ्री होकर डिलीवर होकर आपके सामने खड़े हैं। आज आपके छुटकारे का दिन है कलीसिया यीशु मसीह के नाम में। आज आप गवाही के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। सारी तरह उस जीवित खुदा के नाम का महिमा देते हैं, जोर से ऊंची आवाज से हालेलुया बोलते हुए सब परमेश्वर का थैंक्स करेंगे।